हेलो गाइस, दिस इज अर्शोर सी यू वॉचिंग माय चैनल टेक्निकल छोरा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे हम जब किसी भी स्क्रीन अब मोबाइल से स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको जब किसी भी मोबाइल के जो फ्रेम में लगाया जाता है वो मोबाइल फ्रेम हम अपने घर बैठे ही कैसे बना सकते हैं, मतलब मोबाइल में कैसे बना सकते हैं वो भी ऑफलाइन। तो इसके लिए बस से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। ये आपको पिक्सल लैब नाम का एक दिख रहा होगा। मैं जब अपने यूट्यूब चैनल पर जितनी वीडियो आजकल बना रहा हूँ वो ज़्यादातर पिक्सल लैब के की मदद से ही बनाता हूँ, क्योंकि पिक्सल लैब बहुत अच्छा ऐप है, इससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो पहले आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसकी लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सकते हैं डायरेक्ट। तो पहले सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये ओपन हो चुका है। अब बस आपको करना क्या है, जो टेक्स्ट जो आपको दिख रहा था वो मैंने उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको जो तीसरा ऑप्शन है, सबसे बीच का ऑप्शन है सबसे नीचे, उस पर आना, आपको शेप पे जाना है। आपको बस शेप पे जाने के बाद जो आपको ये जो शेप दिख रही है उसमें से स्ट्रोक वाइज जो आपको दिखेगा उसको थोड़ा बढ़ा देना है। मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ, 25, 26 जो है उसको राइट कर लेंगे। तो थोड़ा सा मोबाइल की आप जिसमें जो साइज आपको बनाना है उतना कर लेंगे हम उसको। उसको थोड़ा लंबा कर लेता हूँ। अब देख रहे होंगे दोस्तों, मैं उसको थोड़ा सा अब लग रहा है ना जो कुछ मोबाइल का जो मॉडल हो कोई। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको लेफ्ट राइट की तरफ थोड़ा सरकाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इरेज कलर का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको उसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देख रहे होंगे दोस्तों आप, इसका जो अंदर का जो पीछे का बैकग्राउंड था, मतलब जो अंदर इसमें जो कलर था वाइट कलर, वो गायब हो चुका है। तो आप उसको राइट कर दें। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको कहीं पर इस तरफ टैप कर देना है, इस तरफ को कहीं पर भी टैप कर दिया जिससे इसमें हट गया। उसको शेप लेना है, एक और शेप में हम इस बार हम उसमें सर्कल लेंगे, एक सर्कल उसको बहुत छोटा कर लेंगे, बिल्कुल छोटा कर लिया यहाँ पर हमने उसको। तो इसको हम राइट कर देंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों हमारा सर्कल कुछ गलत हो चुका है, तो हम इसका दूसरा जैसे दूसरी शेप ले लेंगे, मतलब लेना हमको दूसरी बार में सर्कल ही है, उसका छोटा कर लेंगे बिल्कुल, उसको राइट करेंगे। इसके बाद उसको हाथों से जो क्या आप जो उंगलियों से जो उसको मूव करते हैं वो मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आप इस पोजीशन में जो एरो दिख रहे हैं आप उनकी मदद से इनको उसको मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस एरो का इस्तेमाल करूँगा। देख रहे होंगे दोस्तों मैंने ये कर दिया है, इसको हम यहाँ पर ही रख देंगे, राइट करके इस पर टैप कर देंगे। फिर एक बार हम शेप लेंगे जो सर्कल ही होगी, सर्कल पर से ले लेंगे। इस बार उसको उस जो पहले अपन ने सर्कल लिया था उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। देख रहे होंगे दोस्तों मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा रखा है। इसके बाद फिर से उसको पोजीशन से करेंगे, क्योंकि क्योंकि उंगलियों से हम उसको मूव करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। उसको थोड़ा सा और मूव करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। उसके बाद उसको थोड़ा सा राइट तरफ को लगा देंगे अपन, राइट में थोड़ा सा। देख रहे होंगे दोस्तों मैंने उसको लगा दिया। उसको आप थोड़ा छोटा कर सकें तो बहुत अच्छी होगा, वह इतना ही ठीक है, वैसे आप कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका एक और शेप लेंगे हम, वो भी सर्कल ही होगी। सर्कल लेके उसको एक और बहुत छोटा कर लेंगे। उसके बाद छोटा करने के बाद उसको पोजीशन सेट करेंगे वैसी। उसको जल्दी करना है तो मैं इसके लिए जल्दी कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा दोस्तों। इसके बाद आपको करना क्या है, जो प्लस का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाके आपको एक टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर तो टेक्स्ट में आप जिस भी कंपनी का जो नाम लिखना चाहते हैं अपने फ़ोन की फ्रेम में वो आप लिख सकते हैं। मैं इसमें सैमसंग लिख दूँगा। सैमसंग है, इसको हम थोड़ा फ़ोन को थोड़ा लंबा कर लेंगे उसको।
साइज़ में थोड़ा छोटा कर लेंगे। उसको भी हाथों से करना मुश्किल होगा इसलिए हम उसको मूव कर लेते हैं। मूव करने के बाद हम उसको इधर से स्लाइड कर देते हैं, तो उसका साइज़ बढ़ा देंगे। तो हमने देख रहे होंगे दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैंने उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया है, थोड़ा सा उसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। तो देख रहे होंगे दोस्तों उसका हमने थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लिया है। छोटा करने के बाद ज़रा ये जो यहाँ पे सर्कल था एक छोटा सा, उसको थोड़ा सा मूव करके थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे, क्योंकि ये बाकी सर्कल्स के अब ठीक है, क्योंकि उसको बराबर लाना था अपन को। हम उसको काले उसमें कर लेंगे और सैमसंग को थोड़ा सा मूव करेंगे राइट की तरफ। तो देख रहे होंगे दोस्तों अब जो ठीक लग रहा है। और एक जो हमको एक बटन चाहिए, डबल बैक बटन होता है जो, जिसमें हम एक और सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद उसको थोड़ा सा लंबा करके उसको छोटा कर लेंगे, वो भी राइट कर लेंगे। इसको इतना ही करके इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेंगे। छोटा कर लेते हैं उसको, बस दोस्तों जो बिल्कुल सही लग रहा है। आप देख रहे होंगे जो बिल्कुल एक मोबाइल फ्रेम की तरह लग रहा है। बस उसको करना क्या है, जो चौथा ऑप्शन है उस पर जाके आपको बस उसको ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है, जिससे जो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा पीछे का जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप उसको काइन मास्टर से या वीडियो शो से अपनी किसी भी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो में लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। अब इसको अब से इमेज को आप सेव कर लें, इससे आपका जो है जो फोटो है वो सेव हो जाएगा। थैंक यू।